हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश 1.2 और सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। डियर चिल्ड्रन, ये कहानी एक स्विट्जरलैंड के रहने वाली फैमिली रॉबिन्सन फैमिली की कहानी है। सिनॉप्सिस मतलब होता है समरी। ओके, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड। ये स्टोरी रियल स्टोरी नहीं है, ये लिखी हुई स्टोरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर समझते हैं। The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. ये स्विस फैमिली रॉबिन्सन की जानी मानी साहसिक उपन्यास ये कहानी जो है 200 सालों तक खूब लोगों ने इन्जॉय किया और खूब पढ़ाई से। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन टू ग्राफिक नॉवल्स एंड फिल्म। ये स्टोरी का बहुत सारा वीडियोज, ऑडियोज और फिल्म्स बनाए गए। ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओके चिल्ड्रेन, द नॉवल रिटन बाय द स्विस क्लर्जी मैन। देखिए, जोहान लिखा है। ठीक है, ये जोहान नाम है, जोहान। क्लर्जी मैन मतलब जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं ना, क्रिश्चियन पुजारी जो होते हैं ना, उसको क्लर्जी मैन बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, द नॉवल रिटन बाय द स्विस क्लर्जी मैन जोहान डेविड येस। ओके, इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर। ये नॉवल लिखा गया है स्विट्जरलैंड के, ठीक है, क्रिश्चियन जो पुजारी हैं, जोहान डेविड विज ने लिखा है इस कहानी को। ये सिर्फ एक बस एडवेंचर ही नहीं है, इससे देखो और भी बहुत ज्ञान मिलती है, अभी आपको पता चलेगा। इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लॉ फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्रूडेंट का मतलब होता है बच्चों स्मार्ट, मतलब स्मार्ट यूज। ओके, प्रूडेंट, सेल्फ रिलायंस आपको पता है, जैसे कि आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता। डिटर्मिनेशन मतलब एकदम हिम्मत, दृढ़ रहना। ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसका इस उपन्यास का एम ये था कि बच्चों को, यंगस्टर को, जैसे आप लोग हो, इन सबको क्या सिखाना, आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिए वो सिखाना, और एकदम दृढ़ होके रहना, और फैमिली को प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना, और प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास संसाधन है, उसका स्मार्ट यूज़ होना चाहिए। ये सब हमें इस स्टोरी में सीखने को मिलती है। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन्स रिलेवेंट इन नेचुरल साइंसेज, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है क्या, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित, रिलेवेंट मतलब संबंधित, प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित, और अच्छी हस्बेंड्री। अच्छी हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ठीक है, गुड हस्बेंड्री मतलब अच्छे तरीके से पशुपालन कैसे होता है वो भी हमें पता चलता है इस कहानी को पढ़ के, और मैथमेटिक्स का भी कुछ ज्ञान हमें होता है। तो चिल्ड्रन, ये जो स्टोरी है ना, ये पूरी स्टोरी इसमें डिटेल में नहीं दी हुई है, ये बस ऊपर ऊपर से, मतलब जो मेन मेन चीज़ें हैं बीच बीच में से उठाकर इसमें लिख दी गई है। आई बस उनमें सम एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पर लिखा ही है, सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल टू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट वी मस्ट कंसीडर दैट इट इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉट अ फैक्ट फाइल। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। देखो, सम एलिमेंट जो नॉवल के कुछ तत्व ऐसे हैं जो ऐसे एकदम रियल की रियलिटी की तरफ जाती है, पर हमें ये ध्यान रखना है कुछ सीमा तक जो है ना, एकदम लगता है कि रियल कहानी कहीं की होगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक फिक्शन है, ये एक बस कहानी है, ये नॉवेल है, फिक्शन मतलब नॉवेल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो नीचे दी गई जो बातें अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये इस स्टोरी का क्या है, सिनॉप्सिस, एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। बस हल्के हल्के जो बीच बीच के जो मेन मेन चीज़ें बस इसमें लिखी गई है, ये पूरी स्टोरी डिटेल में हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। हाँ, अब स्टोरी शुरू होती है। William Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. William नाम का एक आदमी, उनकी वाइफ Elizabeth, उनके बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, एक शिप से कहीं जा रहे थे, तभी ये शिप एक तूफान में फंस जाता है। ठीक है, the other passenger evacuated without them, evacuated मतलब उनको छोड़ दिए, left, okay, और passengers लोग जो है ना उनको छोड़ दिए, okay, उनको अकेला छोड़ दिए। William and his family including the young children Fritz, Honest, Jack and Franz were left to survive alone. अदर पैसेंजर सब छोड़ के भाग गए थे, तो विलियम, उनकी फैमिली और उनके जो बच्चे हैं फिट्ज, ऑनेस्ट और जैक और फ्रेंड्स, ये सब जो बच्चे हैं सब सर्वाइव कर रहे थे, अकेले ही बचने का कोशिश कर रहे थे। ओके, दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड। वे लोग इंतजार कर रहे थे कि ये तूफान बंद हो जाए। आई बात समझ में,
ओके आगे चलते हैं। द शिप सर्वाइव्ड द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्व्स विद इन साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड। दे कुड सी बियॉन्ड रीफ, रीफ मतलब चट्टान, ठीक है, रीफ मतलब क्या होता है, चट्टान। देखिए द शिप सर्वाइव नाइट, हाँ ये जो शिप है ना रात भर सर्वाइव, ये फैमिली जो है रात भर सर्वाइव करती है, अपने को बचने का उपाय ढूंढती है, जूझती है उससे, ठीक है। फिर ये लोग अपने आप को सुबह में कहाँ पर पाए, ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, मतलब जहाँ पर ऐसे डेजर्ट पे ये लोग अपने आप को पाए जहाँ पर कि थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, नम नम वातावरण रहता है, गर्मी बहुत रहती है, ठीक है, ओके। और क्या हुआ फिर, उन लोगों ने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया टू गेट आइलैंड दे कुड सी, एक चट्टान जो वो लोग देख सकते थे वहाँ पर जाने का, ठीक है। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेजल आउट ऑफ टब्स। तो बहुत मेहनत के बाद उन लोगों ने बनाया, वेजल मतलब एक बड़ा सा बोट बनाया, वेजल मतलब बड़ा सा बोट, किससे बनाया, टब से बनाया, बहुत सारे टब उनके बोट पे, उनके शिप पे रहे होंगे, उससे ज्वाइन करके बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे आगे पता चलेगा। आफ्टर दे फिल द टब्स विथ फूड्स एंड एम्यूनेशन एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी दे रोड टूअर्ड द आइलैंड। पहले आप हार्ड मीनिंग देख लीजिए, पहले देख लीजिए एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद ये सब, और लड़ाई के जो वेपन्स होते हैं सब, एम्यूनिशन मतलब होता है गोला बारूद, उसमें गन और बड़ी बंदूकें सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और क्या देखना है हमें, हाँ ये अच्छा कोई बात नहीं। आफ्टर दे फिल, इन लोगों ने टब को भर दिया, भोजन से भर दिया जो जो वो लोग लाए थे वो, और एम्यूनिशन जो मैंने बताया आपको गोला बारूद और जो गन है जो लड़ाई की जो चीज़ें होती है वो सब उसको भर दिया, और भी आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट थी जो वो लोग कैरी करके लाए थे सुरक्षित शिप से, वो सब टब में भर दिया। दे रोड टूअर्ड द आइलैंड। तो फिर क्या किए, रोड मतलब नाव लगा देना, उन लोगों ने नाव को आइलैंड की तरफ लगा दिया। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम ट्रंक टॉक एंड जूनो स्विम बिसाइड देम। दो डॉग जो उनके साथ थे, पहले से चले थे, शिप पर ही थे वो लोग, नाम क्या था उनका, टॉक और जूनो, ये उनके आसपास ही उधर ही तैर रहे थे, ठीक है, स्विमिंग कर रहे थे उधर ही, उनके साथ ही थे। द शिप्स कार्गो, कार्गो मतलब जो सामान होती है, जो शिप पे सब सामान दूसरे देश में लोग बेचते हैं या फिर वहाँ से लेकर आते हैं, वो सामान को हम कार्गो बोलते हैं, ठीक है। तो शिप का सामान क्या, किस कैसा, देखो द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक गन्स एंड पाउडर कारपेंट्री टूल्स बुक्स और दिस एजेंबल पीनेस एंड प्रोविजन्स एंड ऑल्सो सर्वाइव्ड। ये सब बचा लिए गए थे, क्या क्या बचा लिए गए थे ध्यान दीजिएगा। लाइव स्टॉक मतलब देखो जो बहुत सारे एनिमल्स होते थे, जो एनिमल्स वो लोग, कुछ एनिमल्स भी वो लोग लेके चले थे, ठीक है, ओके, एनिमल्स, गन्स और कुछ पता नहीं कैसा कुछ पाउडर था, कारपेंट्री टूल्स जो कुछ बनाने का औजार बनाने का टूल्स, वो कुछ बुक्स वगैरह, और डिसअसेंबल्ड मतलब अलग, पिनेस मतलब कश्ती, एक नाव होता है एक टाइप का, ठीक है, ओके, अलग टूटा हुआ, ठीक है, अलग किया हुआ एकदम सेपरेटेड वो कश्ती, और प्रोविजंस मतलब खाने पीने का सामान, प्रोविजंस मतलब खाने पीने का सामान, ये सब जो इन लोगों ने सर्वाइव किया था, बचा के रखा था, वो सब उस टब में लोग भर लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, टब में भरने की बात तो यहाँ पे नहीं लिखी है। द शिप्स कार्गो ऑफ, हाँ ये सारी चीज़ें ये लोग बचाकर मतलब लाए थे, ओके। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम जो कि फादर था, ध्यान रखना, विलियम अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड कैक्स टू वन अनदर एंड बिल्ट अ बो दैट कर्व्ड अराउंड देम। केग देखो जैसे एक बड़ा सा ड्रम जैसा होता है और अंदर खोखला होता है एकदम से, ठीक है, और वो एकदम से खाली होता है अंदर, तो वो तो फ्लोटिंग होगा ही। तो क्या क्या किया इन लोगों ने, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद क्या हुआ, विलियम जो था, जो डैडी था, उसने फ्लोट एकदम फ्लोट ऐसे तैरने वाला जो पानी में से तैरता है ओल्ड केग्स को लिया, पुराने केग्स उसके शिप में रहे होंगे, उसको एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया, और क्या किया, बिल्ट अ बो दैट कवर, एक बो बनाया, एक धनुष जैसा ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ,
कार्व्ड देम, देखो मैं आपको बताती हूँ, मुझे लग रहा है ये लोगों ने फिर यही शेप दिया। देखो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा ऐसे कोई बोट आपने देखा होगा, ओके, फिर यहाँ पर ये ऐसे लंबा सा ऐसे ये जो जाता है ये चीज़ इन लोगों ने बनाया पता नहीं कैसे, धनुष जैसा देखो दिख रहा है ना, ओके ऐसे बनाया, और ये समझ लीजिए पानी है, ओके ये लहर उठ रही है और इन लोग का ये बोट है ऐसे बनाया ये लोग, ओके फिर आगे चलते हैं। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, तो इनकी जो फैमिली है एकदम सक्सेसफुली आइलैंड पे सब लोग उतर जाते हैं पहुंच जाते हैं। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टेन द फ्लोर विथ आर्मलोड्स ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स। इन लोगों ने क्या किया वहाँ पर एक ऐसा टेम्पररी टेंट बनाया और जो फ्लोर था जो ज़मीन था उसको कुशन जैसा बनाने के लिए उन लोगों ने कहीं से घास काट कर कर हाथ में आर्म लोड्स मतलब हाथ में जितना आ सकता था उतना ग्रास जो है ना घास जो होता है उसको ढो के ये लोग उसको कुशन जैसा नीचे फ्लोर पे रख दिया ठीक है ताकि वो सॉफ्ट बना रहे। दे केम टू द ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रोव मतलब झुंड, वे लोग पेड़ों के झुंड के पास गए। वन ट्री ग्रू, एक ट्री बड़ा हो गया था। वॉट जो हाँ वॉट लुक लाइक गॉड्स ऑन इट्स ट्रंक, ट्रंक आगे मिलेगा आपको। ये लोग पेड़ों के झुंड के पास गए, वहाँ पर एक बड़ा पेड़ उनको दिखा, बड़ा हुआ एकदम मतलब बढ़ चुका था विकसित था एकदम, उस पर गॉड्स गॉड्स जैसे लौकी जैसे सब ऐसे लटके हुए थे पेड़ पर से ठीक है उसके ट्रंक से लटके हुए थे। तो फिर क्या होता है, द फादर टोल्ड फिट्स, फादर ने फिट्स को बोला द गॉड्स वुड मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। फादर ने बोला कि इसका बहुत अच्छा अच्छा बर्तन बन सकता है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बाउल्स एंड स्पून्स सब बन जाएंगे। तो उन लोगों ने इसे कट किया और बहुत सारे बर्तन बना लिए। आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वॉन्टेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ ने इन्फॉर्म किया विलियम को अपने हस्बैंड को कि देखो ऐसा है कि हम लोग को कहीं सेफ जगह पर जाना चाहिए ठीक है क्योंकि इस जगह सेफ नहीं था। देयर करेंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। उनका जो अभी भी जो कैंप बना था वो एकदम खुला हुआ था, बस खुला ही नहीं बल्कि बहुत ही गर्म भी था ठीक है। चलते हैं, इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज इफ दे हाँ दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकॉज। अगर वे ऊपर घर बनाएंगे इसके ऊपर जब घर बनाएंगे बनाते अगर तो ये लोग जैकॉल से बचे रहते हैं। जैकॉल मतलब हिंदी में सियार बोलते हैं, एक जानवर होता है ठीक है, डॉगी जैसा दिखता है लेकिन खतरनाक होता है ठीक है। हाँ तो क्या बोले, इफ़ दे बिल्ट अ हाउस अप इन ऑन द लार्ज ट्री, एक बड़े बड़े से पेड़ का अगर ये लोग घर बनाते ऊपर ठीक है, ऊपर एक और फ्लोर चाहिए था तब ये लोग जैकॉल से सेफ रहते। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट वन हूज ट्रंक वॉज नियरली 40 feet इन डायमीटर। अच्छा उसने एक बता दिया, उसने एक बताया कि देखो डिस्क्राइब वर्णन करके बता दिया जो प्रोजेक्ट में चाहिए था कि यही पेड़ सही है, तो उसने बता दिया था नियरली 40 feet उसका डायमीटर होना चाहिए ओके, ऐसे जो बीच का जो पार्ट है कितना होना चाहिए नियरली 40 feet ओके। फिर आगे चलते हैं, द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, द ब्रांचेस वर वेरी कितना क्या मैंने बताया ब्रांचेस कैसे थे, बहुत लंबी थी बहुत लंबी और ये जो ट्रंक सीधे एक मिनट ब्रांचेस बहुत लंबी थी और सीधा ट्रंक से बाहर निकली हुई थी ओके, जो कि इनके प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही परफेक्ट थी वो ओके। लेटर बाद में क्या हुआ, व्हेन डिटरमिनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस द फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स। बाद में सबसे निचली शाखाओं की ऊंचाई निर्धारित करते समय पिता ने लड़कों को ज्योमेट्री और वस्तुओं को मापने के लिए त्रिकोण मतलब एंगल्स का उपयोग करना सिखाया। आई बात समझ में, ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक। उसने मेजर किया जो निर्धारित था ना, जो ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस जो निर्धारित की गई थी डिस्टेंस उसको उसने मेजर किया ट्रंक से ठीक है। देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स डिटरमाइनिंग देन द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 feet ऑफ द ग्राउंड। अभी आपने क्या देखा कि उसने निर्धारित दूरी को ट्रंक से मापा ओके
अब इसके बाद क्या है, देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स, इसको हम देख लेते हैं। फिर उन्होंने कई मेजर्ड रॉड का उपयोग करके एंगल्स की गणना की, यह निर्धारित करते हुए कि लोवेस्ट ब्रांच जमीन से 30 फीट की दूरी पर थी। आई बात समझ में। नेक्स्ट, द मैन नॉटेड अ रॉक एट सर्टेन इंटरवल्स एंड अटैच पीसेज ऑफ बैम्बू इन ईच नॉट। आदमी लोग ने, सब लोगों ने क्या किया, जो ऐसे था ना जगह जगह गट्टी ऐसे से गांठ ऐसे बांध दिया, फिर उसमें बैम्बू ऐसे लगा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, दस दे क्रिएटेड देयर, इस तरह से उन्होंने अपनी सीढ़ी बना दी। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज ऑन रनर्स रैदर देन व्हील्स। डैडी जो है उसके क्या किए, वापस चले गए वहाँ बीच पर चले गए और ड्रिफ्ट वुड मतलब जो फ्लोट करके लकड़ी ड्रिफ्ट वुड मतलब बहकर जो लकड़ी आई थी, ठीक है, उसको उसने कलेक्ट किया और स्लेज मतलब होता है हथौड़ा, परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज ऑन रनर्स रैदर देन। देखो ऐसी गाड़ी उन लोगों ने उसने बनाई कि जो वहाँ पर आराम से, व्हील तो थी नहीं कि व्हील तो थी नहीं, पहिया तो नहीं था, तो उसके जगह पर उसने जो बनाया था वो जो एक स्पेशल गाड़ी, वो मतलब वहाँ पे चल सके, रन कर सके, ऐसे रन कर सके, भागने वाली गाड़ी बनाई, ठीक है, ओके। हाँ अच्छा, दे यूज्ड, ये तो हमने देखा नहीं, दे यूज्ड बाद में क्या है, लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, बाद में ये लोग इसका यूज़ किए कुछ सामान को यहाँ वहाँ करने में, सामान को ढोने में। मीनवाइल एलिजाबेथ अनाउंस दैट द गार्डन शी हैड बीन टेंडिंग वाज प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट्स। इसी बीच एलिजाबेथ ने ये अनाउंस कर दिया कि जो टेंडिंग मतलब देखभाल करना, जिस गार्डन का उसने लगाया था कुछ गार्डन, तो उसकी देखभाल करती थी, तो वो बढ़ गए थे, हेल्दी हो गए थे प्लांट्स। उसमें क्या क्या था, कॉर्न था और मेलन्स, मेलन्स मतलब तरबूज खरबूज इस टाइप के जितने भी सब थे उसको मेलन्स कहते हैं। पम्पकिंस एंड पम्पकिन मतलब लौकी, कुकुम्बर्स वर्ल्ड ऑलरेडी ग्रोइंग, सब पहले से बढ़ रहे थे। द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फिट्ज ट्रेवल टू द वुड्स एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एग्जॉटिक प्लांट्स एज वन विथ वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड। अब यहाँ तक देख लीजिए, तो नेक्स्ट दिन जो है डैडी जो विलियम है वो और उसके बच्चे फिट्ज है, ये ट्रेवल करके कहाँ जाते हैं, वुड्स मतलब जंगल, ठीक है, जंगल को जाते हैं। एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्जॉटिक, एक्जॉटिक मतलब अजीब सा, ठीक है, एकदम अजीब। एक्सप्लोरिंग मतलब खोजना, खोजे एक अजीब सा, क्या ढूंढे, प्लांट जुड़े प्लांट्स एज वन विथ वैक्सी फ्रूट, जिसका जो है ना वैक्सी रहे, मोम जैसा फ्रूट होता है वो, जिससे कि वो कैंडल बना सके, ओके। फिट्ज डिस्कवर्ड अ ट्री एक्जुडिंग अ रबरी सैप फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स। सैप मतलब क्या होता है बच्चों, सैप मतलब देखिए जैसे पौधों का जो रस होता है, ठीक है, और एक्जुडिंग मतलब होता है जो चीज़ ऐसे रिश्ता रहता है, हल्का हल्का ऐसे लीक करता रहता है, आई बस में। और सैप मतलब क्या मैंने बताया आप लोग को, पौधे का रस, ठीक है। तो सुनिए, फ्रिट्ज ने डिस्कवर किया, खोजा एक ट्री को, जैसे कि वो एक ऐसा ट्री था जिसके पौधे के रस से थोड़ा मतलब कैसा, एक रबरी सैप, रबर के जैसा उसका रस था, जिससे क्या उस डैडी ने बताया कि ऐसा दावा किया कि इसका बूट हम बना सकते हैं, ठीक है, बूट बनाए लोग, शूज। थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस से फ्रॉम द एलिमेंट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट। स्पॉट मतलब यहाँ पर क्या है, स्पॉट मतलब जगह, स्थान, टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड देयर बिलोंगिंग्स। थिंकिंग आगे सोचते हुए, आगे की ठंड के बारे में सोचते हुए डैडी ने डिसाइड किया, डैडी मतलब विलियम, ठीक है, विलियम उसका नाम था, डिसाइड किया क्या करने के लिए, क्रिएट अप एक नया जगह, ठीक है, फ्रॉम द एलिमेंट्स स्टोर स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। खुद को और उनसे संबंधित जितनी चीज़ें हैं उन सबको एकदम सेफ जगह पर स्टोर करने का उसने नेक्स्ट ठंडी में विंटर में के लिए कुछ ऐसा प्लान किया कि अभी कुछ और नया जगह हमें चाहिए, अभी और सेफ जगह चाहिए, इसके लिए उसने विचार किया। फ्रिट्ज केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव। फ्रिट्ज के दिमाग में केव का आइडिया आया, आई बस उनमें नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक अ बिल्डिंग देयर कैंपिंग साइट। किसी और का ऐसा बना बनाया ऐसा ढूंढना नहीं था, उन लोग को अपने से क्रिएट करना चाहते थे, खुद से केव बनाना चाहते थे, जैसे कोई चट्टान रहे उसको खोद के खुद से बनाना चाहते थे वो लोग, आई बात समझ में। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क द
dimensions for an opening, and they picked away at the hard surface with their axes, chisel, hammers and shovels. देखिए तो एक एक सॉफ्ट सा एकदम अच्छा सा देखो डिमेंशंस मतलब परिणाम जो उसको मतलब मिला, कहने का मतलब ये है कि एक कोई अच्छा सा रॉक का उसने निशाना बनाया फादर ने कि अब इसी को तुम लोग खोदो बनाओ उसको. किस चीज़ से वो लोग शुरू हो गए एट द हार्ड सरफेस. ठीक है वो लोग ने अपना उठा लिया और खोदना चालू कर दिया अपने एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, चैसल मतलब छेनी होता है उसको छेनी बोलते हैं, ऐसा एक टूल्स होता है बाद में यहाँ पर ये तो पकड़ने वाला होता है, यहाँ पर एकदम शार्प पॉइंट ये रहता है नुकीला एकदम रहता है शार्प रहता है और यहाँ जो है हथौड़े से मतलब हैमर से इसको ठोकते हैं. ठीक है वो सब लेकर ये लोग और शॉयल्स मतलब फावड़ा शुरू हो गए अपने काम पे लग गए. ठीक है खोदना चालू कर दिया गुफा बनाने के लिए. ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करेंट्स ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव. ओवर द नेक्स्ट सेवरल कुछ दिनों बाद जो है ना कुछ दिनों में वो फैमिली ने मिलके क्या कर लिया विंडो बना लिया, रॉक को ऐसा कट किया विंडोज़ बना लिया, खिड़कियाँ बना लिया एक इस पर एक उस पर ऐसे खिड़की बनाया कि हवा आर पार आए जाए. ठीक है सनलाइट भी आए और हवा भी गुफा में आए जाए. व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे हैड फोर रूम्स कंप्लीट विद अ फायर प्लेस. अच्छा एक फायर प्लेस भी उसमें बनाया जैसे खाना बनने का जगह या आग जलाने का जो जगह है फोर रूम्स बनाया उन लोगों ने और उसमें एक फायर प्लेस भी बनाया. दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम. दे नाउ हैड अ न्यू अब उनके पास एक नया विंटर होम बन गया था. ठीक बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑप्रेसिव. अब उसमें गुफा में लाइटनिंग अच्छी नहीं थी, उजाला नहीं होता था, ऑप्रेसिव मतलब बहुत पीड़ित बहुत दुखी. तो ये लोग उसकी वजह से बहुत दुखी थे कि यार इसमें तो लाइट ही नहीं है उजाला ही नहीं है तो फिर अच्छा नहीं है. टू रेमेडी दिस फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट. रिग्ड अप मतलब प्रोवाइडेड. ओके तो इसकी कमी पूरा करने के लिए इसके इलाज के लिए जो डैडी और जैक ने जैक उनका लड़का ठीक है जैक और उसका उनका अरे सॉरी विलियम जो फादर है वो और उनका लड़का जैक इन लोगों ने लाइट को लाइट का जुगाड़ किया. दे फाउंड अ बैम्बू पोल मतलब बांस का खंबा, उनको बांस का खंबा मिला. दे फाउंड अ बैम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग. जो जो फ्लोर से लेकर सीलिंग तक पहुंचता था ऐसा बैम्बू उनको मिला जो फ्लोर से लेकर सीलिंग तक उसकी दूरी पहुंच रही थी. ओके तो फिर क्या हुआ देन आफ्टर सिक्योरिंग इट जैक क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द पोल एंड हंग अ लार्ज ऑयल लैम्प दैट दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप. अच्छा एक ऑयल लैम्प था बच्चों जो इन लोगों ने शिप से बचा के शिप से उन्होंने बचा लिया था उसको. सब सामान काफ़ी सामान उन लोग का बर्बाद हो गया था लेकिन ये बच गया था, इन लोगों ने बचा पाया था वो ऑयल लैम्प. ठीक है उसको यहाँ पर ऊँचाई पर ऐसे जाकर चढ़ के ऐसे लटका दिया लैम्प. ठीक है ऑयल लैम्प यहाँ पे ताकि ऐसे ऊपर रहेगा तो पूरा उजाला लगेगा. ओके चिल्ड्रेन और ये जो वन डे है ना वन डे से लेकर आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है वीडियो लंबा हो जाता है तो लेक्चर बहुत बोरिंग लगने लगता है चिल्ड्रेन. तब तक आप इसको पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय थैंक यू.